नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के अंतर्गत न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट सेगमेंट या नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो आपको पता है कि ठोस अवस्था पर न्यूमेरिकल चल रहा है, तो देखिए न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। सबसे पहले चांदी यानी कि सिल्वर किस तरह के क्रिस्टल जालक में है, CCP, ठीक है, क्यूब क्लोज पैकिंग यानी कि घनी समृद्ध संकुलन बनाती है। इसके क्रिस्टल की जब हमने एक्स किरण प्रवाहित की तो हमें ज्ञात हुआ कि इसकी एकक कोष्ठिका के जो कोरों की लंबाई है वो 408.6 पिकोमीटर है, तथा चांदी का घनत्व तो ज्ञात करना है यानी डी ज्ञात करना है, जबकि चांदी का एम दिया हुआ है। इसका मतलब D इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। यहां पर याद रखेंगे, अब हमारे पास वैल्यू, हमें जेड का मान पता करना है, तो दिया है, ठीक है। क्या क्या दिया है बच्चों, जेड किसके लिए, CCP के लिए। तो याद रखिएगा CCP के लिए जेड भी कितना होता है, 4 ही होता है। फिर इसके बाद कोरों की लंबाई A दिया है, ए कितना दिया है, 408.6 पिकोमीटर। अब इस पिकोमीटर को बच्चों हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक पिकोमीटर बराबर होता है 1×10⁻¹⁰ सेंटीमीटर। तो अब ये ए का मान हो जाएगा ए इज इक्वल टू 408.6 सेंटीमीटर। अब न्यूमेरिकल्स आसान करने के लिए इस दशमलव को 1, 2, 2 अंक इधर पीछे ढकेल देते हैं। तो दो अंक इधर पीछे जब ढकेलेंगे बच्चों तो यहां की दो पावर भी बढ़ जाएंगी। तो a इज इक्वल टू 4.086×10⁸ सेंटीमीटर। ये बच्चों a की वैल्यू आ गई। इसके बाद m का भी मान हमको प्रश्न में दिया है, m का मान दिया है 107.9। अब हम लोग इस फार्मूले में अपनी वैल्यू रख देते हैं, D इज इक्वल टू Z का मान मैंने अभी बताया 4, M का मान है 107.9। इसके बाद A क्यूब ये वाली वैल्यू रखेंगे 4.086×10⁻¹ का होल क्यूब, फिर इंटू ये लिखेंगे Na 6.022×10⁻²। ये Na का मान हो गया। इसके बाद अब इसे हल करते हैं, तो देखिए इसे हल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस 4 का मल्टीप्लाई इसे 107 में कर देते हैं, 107.9 में 9 का मल्टीप्लाई देंगे बच्चों 4 से, तो आ जाएगा 431.6। अब इसका बच्चों 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई खुद में ही इसी में करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि क्यूब लगा है। तो 4.086 × 4.086 का मल्टीप्लाई जब हम 3 बार करते हैं तो हमारे पास 68.21 आ जाता है, तथा 10^8 = 24 - 24 हो गया। इसके बाद 6.022×10⁻²। अब बच्चों इस 23 के बराबर इस वैल्यू को कर देते हैं -23 कर देते हैं, तो प्लस माइनस वहां से कैंसिल हो जाएगा। इस दशमलव को इधर लेके आएंगे तो उधर एक पावर बढ़ जाएगा, तो D इज इक्वल टू 431.6। दशमलव को इधर ले आते हैं 6.821×10³, फिर इंटू 6.022×10⁻²। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई देकर उसमें भाग दे देते हैं तो हमें D का मान पता चल जाएगा। तो देखिए 6.821×6.022 से जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमारे पास आएगा 431.6 बटा इनका इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 41.07। इसको अब भाग दे देते हैं तो 431.6 को भाग देते हैं 41.07 से, तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आती है 10.5, ठीक है।
10.5। ऊपर वाली वैल्यू काहे में चल रही थी, ऊपर वाली वैल्यू हमारी ग्राम में चल रही थी, नीचे वाली सेंटीमीटर क्यूब में चल रही थी, तो प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बच्चों डेंसिटी निकल गई, तो ये डेंसिटी हो गई, इसको फटाफट नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। तो देखिए बच्चों, अब ये अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। नायोबियम ये परमाणु है, तो नायोबियम का क्रिस्टलीकरण किसमें किया गया है? बीसीसी। इसका मतलब बीसीसी में किया गया है, तो बीसीसी के लिए जेड कितना होगा बच्चों? 2। घनत्व दिया है, डेंसिटी डी कितना है? 8.55 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। अब उसको हमें बदलने की आवश्यकता नहीं, हो सेंटीमीटर में पहले से हम लोगों ने ले लिया। परमाणु का द्रव्यमान भी दिया है, यानी एम दिया है। एम कितना दिया है? 93 दिया है। वो आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या किसकी? त्रिज्या बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए त्रिज्या का फार्मूला होता है ए अंडर रूट 3/4। अब ध्यान दीजिए, इसे त्रिज्या निकालने के लिए हमको काहे का मान चाहिए? ए का मान, जो कि हमको प्रश्न में नहीं दिया है। तो ए का मान निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। डी का मान आप यहां से पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप क्या निकालेंगे? ए, तो ए को उधर ले आइए। ए क्यूब इज इक्वल टू डी, नीचे हो जाएगा जेड इंटू एम, फिर ये नीचे आ गया, तो ये डी इंटू एन ए हो गया। अब आगे देखिए, ए क्यूब इज इक्वल टू जेड का मान बच्चों आपको कितना मिलेगा? 2। एम का मान आपको कितना दिया है प्रश्न में? 93। डी का मान आपको प्रश्न में दिया है बच्चों 8.55, और एन ए का मान होता है 6.022 × 10³। इतना मान हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ए क्यूब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 3 × 6 = 9 × 18 = 186, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई दे लेते हैं, तो देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई देते हैं, तो 8.55 मल्टीप्लाइड बाई 6.022, तो इसका इससे मल्टीप्लाई देंगे तो आएगा 51.48 समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 10³, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं ए क्यूब, एक काम करते हैं, ठीक है, इस दशमलव को बच्चों, ये वाले दशमलव को यहाँ करते हैं, तो उधर का पावर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, माइनस में नहीं है, ये पावर बढ़ जाएगा, तो 5.148 पावर बढ़ गया, यानी 10^24 हो गया। इससे इसको भाग दे देते हैं, तो भाग देते हैं बेटा, तो 186 में भाग देंगे 5.148 से, तो आएगा 36.13, ठीक है, भाग देने के बाद, और ये वाली वैल्यू बटे के ऊपर कर देते हैं, तो 10^-24। अब ए को यहाँ पर कर देते हैं और ये यहाँ पर पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, 0.3 × 10^24, ये इसको निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा बच्चों 3.3, ठीक है, और इसका मान हो जाएगा 8 × 24, यानी 10^-8, तो ये हमको ए का मान यहाँ से मिल गया है, ठीक है, ये कोरों की लंबाई हमको प्राप्त हो गई सेंटीमीटर में। अब आगे देखते हैं आप क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर पर सवाल हल हो रहा है, सेंटीमीटर पर ही है सब कुछ, ठीक है ना। अब हमसे वो आर पूछ रहा है ये, तो इसके लिए अब यहाँ से लिखेंगे आर इज इक्वल टू, ए का मान हमको पता चल गया 3.3 × 10^-8, अंडर रूट थ्री का मान होता है बच्चों 1.732, ये यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रख दिया, अपॉन 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे देते, तो 3.3 × 1.732 का मल्टीप्लाई दिया बच्चों, तो हमारे पास आया 5.7156/4। और ये वाली वैल्यू
10 की पावर माइनस 8 लिखा हुआ है। इसको इससे भाग दे देते हैं तो 5.7156 को जब हमने डिवाइड दिया 4 से तो हमारे पास मान आया 1.42 समथिंग इनटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये बच्चों त्रिज्या निकल गई, रेडियस निकल गया। इसके बाद आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अगला क्वेश्चन बोर्ड पर, एक षटकोणीय निविड संकुल संरचना बनाई गई है जिसमें मोल दिया है यानी एन दिया है, मोलों को एन से दर्शाते हैं। तो एन इज इक्वल टू वैल्यू दी है 0.5, ठीक है। अब इस 0.5 में कुछ रिक्ति है, अब वो कितनी रिक्ति है, कुछ रिक्ति कितनी है यानी कितनी रिक्ति है बच्चों, तो हमारे पास एक फार्मूला है एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए, इसको लगा लेते हैं तो ये हमको रिक्ति पता चल जाएगी कि कितनी हिस्से रिक्त है या कितने एन नॉट बाकी हैं वो पता चल जाएगा। एन है हमारा बच्चों 0.5, ये है एन नॉट और एन ए है 6.022 इंटू 10 की पावर 20। यहाँ पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। एन नॉट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको मल्टीप्लाई देंगे तो आएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो देखिए हमें कुछ रिक्ति प्राप्त हुई 3.011 इंटू 10 की पावर 23। अब वो पूछ रहा है उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फल की हैं, चतुष्फल की रिक्ति पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से कितनी रिक्ति चतुष्फल की है, तो आप क्या लिखेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या बराबर, फार्मूला है, फार्मूला चतुष्फल की रिक्ति की संख्या बराबर 2 इंटू एन नॉट, तो हमारे पास 2 ये एन नॉट ये है 3.011 इंटू 10 की पावर 23। हल होगा तो ये हो जाएगा 220.6 इंटू 10 की पावर 23। हो गया, ये आ गई हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि अष्टफल की रिक्ति की संख्या कितनी है, तो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या बराबर होता है एन नॉट, ठीक है। अष्टफल की, चतुष्फल के लिए 2 इंटू एन नॉट, अष्टफल की रिक्ति के लिए आप लगाएंगे एन नॉट, एन नॉट है इतना 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ये आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल्स कह रहा है NaCl के एकक सेल का आयतन, यानी कि यूनिट सेल का आयतन दे दिया है, कोरों की लंबाई नहीं दे रहा है। तो यूनिट सेल क्या है, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका को किससे प्रदर्शित करते हैं, घन से। तो हम इस एकक सेल की जगह घन का आयतन क्या बोलते हैं, घन का आयतन बराबर ए क्यूब, इसका मतलब ये ए क्यूब का ही मान दिया है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास ए क्यूब डायरेक्ट दिया है 1.81 इंटू 10 की पावर माइनस 22 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू दी है। इसके बाद NaCl का है यूनिट सेल, और NaCl किस प्रकार के क्रिस्टल में उपयोग होता है, FCC में, और FCC का जेड कितना होता है 4, मैंने आपको पीछे भी इस तरह का एक बताया था सवाल। अब इसमें क्या निकालना है आपको, D डेंसिटी निकालना है, तथा आपके पास M भी चाहिए है इसका, M NaCl का निकलेगा, इसका होता है 23, इसका होता है 35.5 इज इक्वल टू 58.5, ये पूरा हो गया। इसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, घनत्व की गणना करेंगे, तो D इज इक्वल टू Z इंटू M बाई A क्यूब इंटू Na, तो D इज इक्वल टू Z का मान है 4, फिर M का मान आपने निकाला है 58.5, ए क्यूब का मान ये डायरेक्ट है, आपको निकालने की कुछ करने की जरूरत है नहीं है, इंटू 10 की पावर माइनस 22, फिर इसके बाद इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों इसको इसके बराबर ले आइए तो ये कट जाएगा, इधर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा यानी 21 होगा, लेकिन इधर ले आएंगे तो पावर घटेगा,
तो डी इज इक्वल टू 4 × 58.5, फिर से लिखता हूँ 4 × 58.5 अपान, इसको दशमलव इधर ले आता हूँ तो ये होगा 18.1, तो वो पावर घट जाएगी 10³ × 6.022 × 10³23। ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डी इज इक्वल टू 4 × 5 हो गया ये 20, आया 2, 8 × 4 = 32, 32 में आपने 2 जोड़ा तो हो गया 34, आया 3, फिर 5 × 4 = 20, 20 और 3, ठीक है 234। अब नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.1 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा 108.9, ऊपर भाग देंगे तो देखिए 234 भागे 108.9 से भाग देंगे बच्चों तो हमारे पास मान आएगा 2.14। ऊपर वाली वैल्यू काहे में है आपकी, ग्राम में प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बच्चों आ गया हमारा आंसर, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये अगला न्यूमेरिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये भी इस तरह का बोर्ड पेपर में अक्सर 4-4 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछते हैं बच्चों, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स की भी आप बिल्कुल तैयारी रखें, ठीक है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन पर 2 क्वेश्चन आ गया है, वो LI की परमाणु त्रिज्या भी ज्ञात करनी है, रेडियस निकालना है तथा एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता भी निकालनी है, ठीक है। संकुलन क्षमता को कैसे गणना करना है, क्या फार्मूला है, मैंने इसको आपको पीछे भी बताया था। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ, तो BCC का जड़ कितना होता है तो आप बोलेंगे 2। इसके बाद कोरों की लंबाई दी है, A कितना है 353 पिकोमीटर, अभी त्रिज्या निकाल रहे हैं और त्रिज्या को सेंटीमीटर में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमाणु की त्रिज्या को बहुत छोटी इकाई पिकोमीटर या नैनोमीटर पर लेना होता है, तो पिकोमीटर पर पहले ही है, हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले पॉइंट लिथियम की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करना है, वो परमाणु त्रिज्या किससे रिलेटेड है, BCC से। तो R इज इक्वल टू होता है a√3/4, तो R a का मान आपको प्रश्न में दिया है 353 × √3 का मान होता है 1.732/4, इसको मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिए 4 से, 353 × 1.732 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो R इज इक्वल टू 611.39/4, इसको भाग दे देते हैं हम लोग, 611.39 को भाग देते हैं 4 से तो हमारे पास बच्चों वैल्यू आएगी 152.84 पिकोमीटर। तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, यानी हमने R तो निकाल दिया, ये काम हो गया। अब एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता की गणना करते हैं, अब ये एकक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता की गणना करेंगे ये भी BCC के हिसाब से होगी, तो देखिए मैं फार्मूला लिखता हूँ पहले, ये दूसरा सेगमेंट हम लोगों ने यहाँ से पहला हल किया था, ये अभी दूसरा हल करते हैं यहाँ से, तो फार्मूला लिखेंगे BCC की संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, कुल गोलों का आयतन गुणा 100/ एकक कोष्ठिका का आयतन, यही फार्मूला है। तो अब बच्चों सबसे पहले एक एक करके हिस्सा लिख लेते हैं, इस फार्मूले पे हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले कुल गोलों का आयतन निकाल लेते हैं, कुल गोलों का आयतन, तो बच्चों कुल गोले BCC में कितने होते हैं तो 2, और गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³, फिर हम क्या लिखेंगे 2 × 4/3
पाई का मान 22 बटा 7 इंटू आर क्यूब इसको रखेंगे तो ये इतना मान आ गया बच्चों। इसके बाद आगे देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कुल गोले का आयतन ही निकाल रहे भी है ना, मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुल गोले का आयतन, ठीक है। तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया 4 × 2 = 8, 8 का 22 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 8 × 2 = 16, 1 × 8 = 16, 176/7 = 21 आर क्यूब ये माना गया। और R का मान देखिए, R का मान भी रख लेते हैं, R हमने अभी निकाला है, R कितना है 152.84, तो ये भी मान लगातार रख देते हैं तो 176/21 आर क्यूब ये वाला, तो 152.84 का होल क्यूब। तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे मल्टीप्लाई करके भाग दे देंगे तो गोलों का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। तो 152.84 × 152.84 × 152.84 इनसे मल्टीप्लाई करें हैं बच्चों तो हमारे पास जो मान आया है वो आया है 176/3570/352 × 42/21। इसको इससे मल्टीप्लाई करके 21 से भाग देते हैं तो 176/3573.42 तो आएगा 628/3820.25.92/21, ठीक है। अब इसको इससे भाग दे देते हैं तो 62/83/82/25.92 को डिवाइड देते हैं बच्चों 21 से तो 21 से भाग देने पर हमको मान प्राप्त हुआ 29.22/9.53.61। तो कुल गोलों का आयतन हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक है। गोलों का आयतन यानी कुल गोलों का आयतन हमको मिल गया। इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। एकक कोष्ठिका यानी घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर ए क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब हमको यहाँ पर निकालना है तो देखिए कैसे निकालते हैं, फार्मूला लगाएंगे हम लोग। फार्मूला क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू ए अंडर रूट 3/4, ये फार्मूला है। पक्षांतर करते हैं तो देखिए क्या होगा, ए को यहीं पर छोड़ देते हैं, 4 यहाँ चला जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा। ए इज इक्वल टू ये 4R/√3 आ गया। अब ए इज इक्वल टू आर का मान प्रश्न में आया है कितना, 152.84 फिर बटा 1.732 ये मान होता है। इसको निकालते हैं हम लोग तो देखिए क्या आएगा, 152.84 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में तो बच्चों हमारे पास आएगा 611.36/1.732। इसको हम लोग भाग देते हैं 1.732 से तो हमारे पास बच्चों वैल्यू आई 352.97। अब ए क्यूब है तो यानी ए का इस पर हम क्या लिखेंगे,
अब ये निकालेंगे ना, तो अब ए का मान तो पता चल गया, ए इज इक्वल टू 352.97 का होल क्यूब। इसका आप तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीन बार इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 352.97 गुड़े 352.97 गुड़े 352.97। इसको इससे भाग देने पर वैल्यू आई बच्चों 43,975.7314। ये हमको ए क्यूब का यहाँ से मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें संकुलन क्षमता निकालनी है। तो बिल्कुल अब हम संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। तो बी सी सी की संकुलन क्षमता, ठीक है मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को मिटाता हूँ। ठीक है, बाकी इधर तो सब आ गया, फार्मूला यही वाला लगेगा बी सी सी की संकुलन क्षमता के लिए। तो देखिए बी सी सी की संकुलन क्षमता, बी सी सी की संकुलन क्षमता तो क्या है, कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन कितना है, इतना है ना, तो 29,229,535.61 गुणे 100 बटा घन का आयतन 43,975.7634 इतना आ गया। ठीक है, अब 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो ये हो गया 299,229,22953.61 यहाँ आ जाएगा 61, फिर 439,757,763.4 ऊपर इसको डिवाइड दे देते हैं, तो 29,92,29,53,61 इनमें भाग देंगे नीचे वाले से 43,975,743.14। तो बच्चों इसको हम निकाले तो यहाँ पर आया 68.04%। तो यहाँ पर हमको कितना स्थान प्राप्त हुआ, 68.04%। तो बी सी सी की संकुलन क्षमता कितनी मिल गई, 68.04%। ठीक है, अगर रिक्त स्थान निकालना है हमको, अगर पूछ लेता रिक्त स्थान कितना है, तो 100 में से 68.04 को घटा देते तो हमको रिक्त स्थान पता हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं बच्चों, इसको भी आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है आप वैज्ञानिक संकेतन लगा सकते हैं, ठीक है, 10 की पावर कहीं पे इसको न्यूमेरिकल हल करने के लिए आप बना सकते हैं, लेकिन मैं उस लेवल से लेकर चलाऊँ कि ताकि मेरी वीडियो सभी लोग देख रहे हैं उनको सारी बातें एक एक करके समझ में आए। ठीक है, यहीं पर मेरी आज क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।